ये क्वेश्चन सीक्वेंसेस इन सीरीज पर बेस्ड एक इंटेंस लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपने पास में देखे हैं तो आपको मालूम है कि इसे कैसे हम डील करते हैं। एस जो है लेट अस से वो सम है जो हमें चाहिए, 1 प्लस 1/3 टाइम्स 1/4 प्लस 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 टाइम्स 1/16 प्लस 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 टाइम्स 1/64 एंड सो ऑन। हम ये सीक्वेंस के अब हम एक काम कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम ये मल्टीप्लायर देखिए तो 1/4 1/16 1/64 दैट मींस हर बार आगे बढ़ने के लिए 1/4 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो भी इंक्रीज हो रही है। क्या हो अगर हम एस को 1/4 से मल्टीप्लाई करें और अब जो वैल्यूज है उनको एक स्टेप आगे लिखना शुरू करें। नाउ 1 को 1/4 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखते हैं, 1 प्लस 1/3 को 1/4 से मल्टीप्लाई करके ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो यहां लिखते हैं, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 1/3। नाउ 1/4 टाइम्स 1/4 ये हो गया 1/16। ऐसे ही इस पूरे एक्सप्रेशन को 1/4 से मल्टीप्लाई करके फिर आगे लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 टाइम्स 1/64 एंड सो। अगर हम फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन है उसमें से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होगा, हमारे पास में s माइनस s अपॉन 4 ये हो जाएगा 3/4 ऑफ s, 1 ये एज इट इज आ जाएगा। यहां पर 1/4 कॉमन है, 1 प्लस 1/3 में से 1 हटा दें क्योंकि ये 1/4 इंटू 1 है तो हमारे पास यहां बचेगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। ऐसे ही अगर इसमें से हम इसको हटाना चाहें तो 1/16 तो कॉमन आ गया है ना, 1 प्लस 1/3 1 प्लस 1/3 कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा 1/9। आगे स्टेप बढ़े तो 1 1/3 1/9 कैंसिल हो जाएगा 1/27 टाइम्स 1/16, या इसको हम रीराइट कर सकते हैं, ये हो गया 1 प्लस 1/12 प्लस 1/12 स्क्वायर, क्योंकि ये हो गया 3 स्क्वायर ये हो गया 4 स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 12 स्क्वायर, ये 3 क्यूब ये 4 क्यूब तो 1/12 क्यूब एंड सो। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इनफाइनाइट हम टर्म्स तक जा रहे हैं और जो कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 है तो इसका सम निकालना बड़ा आसान होगा। यहां है 3/4 ऑफ s, फर्स्ट टर्म a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो दैट इज 1/12, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12/11। तो व्हाट अबाउट s की वैल्यू, 12/11 मल्टीप्लाइड बाय 4/3, 3 गोज इनटू 12 4 टाइम्स 16/11 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।